तो गाइज आज हम सुबह थोड़ा लेट हो गई थी उठने में, क्योंकि पाताल भुवनेश्वर से हम काफ़ी थक चुके हैं। तो अभी जो है नहाने की व्यवस्था चल रही है, तो पानी नहीं है, पानी लेने जा रहे हैं और बर्तन खाली हो चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, क्या ये ला पाएंगे दो बर्तन? पंद्रह सोचने देखने वाली बात है कि क्या 15-15 लीटर के दो बर्तन ला पाएंगे। और यहाँ देखिए मौसम काफ़ी सुहाना है, हवा चल रही है यहाँ पे, कूल कूल गर्मी कूल, पानी मिलेगा। ये सोनी का गांव है, देख सकते हैं आप, और गर्मी आज काफ़ी है यहाँ भी। तो देखिए गाइस, हम पानी तो भर चुका है, तो देखिए 15 और 5 यानी कि 20 लीटर जो है ये उठा ले रहे हैं आराम से। 30 लीटर उठाने को मना कर दिया है। गांव की लाइफ भी आसान नहीं है। ये देखिए गांव के पुराने पुराने घर हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं विश ब्लॉग। सो आज हम पानी भरने जा रहे हैं टंकी में। तो आज पानी नहीं आया तो मोहित भाई जा रहे हैं, हम तो जाते ही हैं, तो इनका जो है टेस्ट। तो आज हम ये कैमरामैन हमारे मनोज भी सोने वाले, तो इतने सारे अभी हो चुके हैं पानी के, तो अभी कुछ भर चुके हैं, तभी नीचे को जा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ माल्टे होते हैं, तो माल्टे का आपको हम पेड़ दिखाते हैं। तो ये हैं हमारे माल्टे के पेड़, अभी आप देखें ये काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं, तो ये सर्दियों के समय पकेंगे। कब पकते हैं? अक्टूबर दिसंबर में ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास पकेंगे। तो उस समय अगर आपको ये चाहिए होंगे, अगर मतलब अगर आप करने होंगे, हाँ ऑर्डर आपको चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें, और तो हम अपना भाई का नंबर है, दोनों का नंबर दे देंगे। बाकी आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो वो भी आ सकता है। 3 रुपए दाना देंगे आपको, बाकी प्रोमो कोड मिल जाएगा। प्रोमो कोड डाले मनोज 10 तो 2 रुपए का दाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे बुब जी है नीचे, तो ये कह रहे हैं हाँ हाँ ठीक है, हम 2 रुपए दाना देंगे। तो देखिए गाइज, हम निकल चुके हैं पानी भरने की ओर, और तैयार हो चुके हैं। 15-15 लीटर के गैलन जो हैं ले जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमारे सीनियर बुबू हैं गांव के, हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि मोहित भाई क्या दो गैलन उठा पाएंगे? तो पहाड़ों में यही होता, देखो मेहनत इसी को कहते हैं। एक तो अगर इनका वर्कआउट नहीं चल रहा है, तो हमने सोचा कि इनका वर्कआउट ऐसे ही करा देते हैं। ये कोच साहब है हमारे, तो देखिए हम पहुंचने वाले हैं टंकी की ओर। कुछ दूरी पर है टंकी यहाँ पे, और इसी बहाने मोहित भाई का वर्कआउट हो जाएगा। तो फाइनली एट लास्ट पहुंच चुके हैं सोनी गांव की टैंकी पे। आप देख सकते हैं कोरोना के निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो पानी है एकदम शुद्ध मिनरल्स खनिज युक्त पानी है। बांस की जड़ों के पेड़ से आ रहा है ये, नहीं बांस के पेड़ की जड़ों से संचित पानी है, और इतना ठंडा पानी है। कभी आप आते हैं तो ये देखिए आपको ठंडा एकदम, गर्मी में जो है एकदम चिल्ड पानी मिलेगा। ये सोनी का गांव है, देख सकते हैं आप, और गर्मी आज काफ़ी है यहाँ भी। पानी काफ़ी भीड़ लगती हुई यहाँ पे। ये हमारे क्रिकेट के कोच हैं, इनको काफ़ी हमें जो पुल शॉट हैं ये खेलना सिखाया है, तो जो भी आज हम पुल शॉट खेल पा रहे हैं इन्हीं की वजह से खेल पा रहे हैं। कोच वो साफ जा रहे हैं। तो आपको यहाँ जो है पहाड़ों में हर किसी खेत में जो है फलों के पेड़ मिल जाएंगे, जैसे आड़ू, खुमानी, पुलम, मतलब भांति भांति प्रकार के आपको फल फ्रूट देखने को मिलेंगे। तो कहीं भी किसी भी खेत में आप जब जाएंगे, देखिए ये बिच्छू है, इसको अगर आपने हाथ लगा दिया है तो भाई जो एक इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा आपको, उससे भी भयानक दर्द होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हाँ तो क्या मोहित भाई ट्राई करेंगे इसको लगा के? नहीं ट्राई तो मैं नहीं करना। वैसे ये एक औषधि भी है, ऐसा नहीं है, इससे काफी जो है इसकी सब्जी बनती है। तो मैंने देखा कई लोग इसकी सब्जी बनाते हैं। बिल्कुल भाई,
ये पहाड़ के लूटे हैं, घास को एकत्रित करके रखा गया है। कभी जब घास नहीं होती तो इनके इनसे निकाल के जो है गाय भैंसों को दिया जाता है। कोच साहब फिर आ रहे हैं, कुछ पुल शॉट के लिए बताना चाह रहे हैं। कोच साहब ये टावर है हमारे वहाँ के BSNL का, और उसके पीछे जो है जियो का। तो और तो कोच साहब आज गुस्से में सुनने में, आज भाभी जी से डांट पड़ी है कोच साहब को, क्योंकि तो जूम करके दिखाओ तो कोच साहब कितनी स्पीड में जा रहे हैं, एकदम ढीले ढाले पड़ गए हैं। उनको लग रहा है कि उनकी मैडम ने चाटा वाटा है, लड़ाई वड़ाई हुई है। तो देखिए धूप काफ़ी झुलसा देने वाली धूप है यहाँ पे। तो देखिए गाइस, हम पानी तो भर चुका है। तो देखिए 15 और 5 यानी कि 20 लीटर जो हैं ये उठा ले रहे हैं आराम से, और 30 लीटर उठाने को मना कर दिया है। तो गांव की लाइफ भी आसान नहीं है। ये देखिए गांव के पुराने पुराने घर हैं, काफ़ी पुराने हैं। मोहित भाई पूरी ताकत लगा दी है यहाँ पे। डिसबैलेंस हो चुका है इनका, क्योंकि एक साइड 15 हो गया है, एक साइड 5 हो गया है, तो शरीर जो है ये देखिए पुलम का पेड़ है, तो वो बंदरों का जो आतंक है काफ़ी ज़्यादा होने के कारण पुलम तोड़ दिए गए हैं। ये देखिए माल्टा का, आंवले का, और ये यहाँ पे ककड़ी आएगी कुछ समय बाद, तो ककड़ी के लिए। नीचे देखिए पुलम का पेड़ है, यहाँ पे नींबू का, नीचे माल्टे का, और ये देखिए नारंगी का। ये हमारा होम टाउन